हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस पांडे। वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हैक्स। तो यार, सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है बाय 30%। सिलेबस के साथ साथ इसने जो पुराना पेपर पैटर्न था उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है। फिर से सुनो, पूरी तरीके से बदल दिया है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दैट मीन्स कि जो पेपर पैटर्न हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था उसका जस्ट अपोजिट हमें इस ईयर देखने को मिलेगा। मतलब बहुत कुछ बदला है यार। क्या क्या चेंजेस आए हैं और जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं इनके क्या फायदे थे, क्या नुकसान हो जाएंगे अब, ये सब कुछ हम देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। और क्या आपको जानना है, केवल उतना ही बताऊंगा। क्लास 9th, 10th एंड 11th के, क्लास 9th आप अपना पेपर एनालिसिस और डिलीटेड चैप्टर्स देखने के लिए शुरू से देखो, क्लास 10th आप यहां पर जाके देख सकते हो, स्किप कर सकते हो इस टाइमिंग पर। क्लास 11th आप इस टाइमिंग पर जाकर अपना पेपर पैटर्न एनालिसिस देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर यार, तो प्लीज रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 9th के डिलीटेड चैप्टर्स। ग्रामर में इन्होंने 3 टॉपिक हटाए हैं। पैसिव वॉइस हटा दिया है, जो कि एडिटिंग, गैप फिलिंग दोनों में पूछा जाता था। क्लॉजेस हटा दिया है इन्होंने, तो क्लॉजेस का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक जो इसे नहीं हटाना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्यों नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ थिंग कि प्रेपोजिशन बहुत वास्ट टॉपिक है। वास्ट के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट में। अगर आपको इंग्लिश बोलना है आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छा कन्वर्सेशन करना है, आपको लिखना है अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये चैप्टर क्लास 9th एंड 10th में हटा के ना सीबीएसई ने लोचा कर दिया हुआ है अपने आने वाले क्लासेस के लिए। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो प्रेपोजिशन इतना बड़ा टॉपिक था ना यार, कि टीचर्स को पढ़ाने में भी दिक्कत होती थी एंड बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि इन, ऑन, एट, फॉर, बिलो, एवब इतने सारे यूजेस होते थे ना यार, कि मतलब सर ई छोड़ो, लीव। राइटिंग सेक्शन से इन्होंने क्या हटाया है, इन्होंने लेटर ऑन सिचुएशन, मतलब लेटर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। फिर से सुन लो भाई, क्लास 9th में लेटर नहीं आने वाला है लिखने के लिए। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन्होंने हटा दिया है। मैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, आपको किसी भी प्लेस, किसी भी इवेंट या किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करने को कह दिया जाएगा। कोई सिचुएशन दिया रहेगा, वहां पर आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो पर्सन वाला जो है उन्होंने रखा है एंड प्लेस इवेंट वाला डिलीट कर दिया है। लिटरेचर, बिहाइव बुक, जो हमारा मेन बुक है, उस बुक से इसने एक पोयम, द लेक स्ले ऑफ इनिसफ्री, ये हटा दिया है। ये लंबा पोयम था काफी। द स्नेक एंड द मिरर, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th से हटा दिया है। द डक एंड द कंगारू, ये पोयम है, इसने इसको भी हटा दिया है। काठमांडू, ये चैप्टर है और आई थिंक ये लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स हैं, इनको हटा दिया है। अ स्लंबर डिड माई स्प्रिट सील पोयम है, इसको भी हटा दिया है। मूवमेंट्स, जो हमारा सप्लीमेंट्री बुक है, इससे इन्होंने ईश्वर सरन द स्टोरी टेलर हटा दिया है चैप्टर, और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये वाला चैप्टर इन्होंने हटा दिया है। तो ये सारे हमारे डिलीटेड चैप्टर्स थे जो सीबीएसई ने इस ईयर COVID-19 इंपैक्ट की वजह से डिलीट कर दिया है। लेकिन एक बात नोट करके चलना यार, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके आने वाले ईयर्स में भी ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। आएंगे, बट इस ईयर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि सारे सिलेबस को हम कवर कर सके, क्योंकि अभी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि स्कूल्स कब खुलेंगे। अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ही चल सकती हैं इस ईयर, तो कुछ भी एकदम, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसलिए सीबीएसई ने फिलहाल के लिए इतने सारे चैप्टर्स हटा दिए हैं। अब पेपर पैटर्न इन्होंने क्या चेंज किया है, आपको कौन सा नया पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा इस ईयर 2021 में। ये बगल में जो है ये अर्लियर इन्होंने इसी अप्रैल में इशू किया था कि इस साल के लिए ये पेपर पैटर्न होगा, लेकिन ये जो जुलाई को, जो 7 जुलाई को इन्होंने 2020 7 जुलाई को ये पेपर पैटर्न इन्होंने लॉन्च किया नया बच्चों के लिए, वो ये वाला है। तो हम कंपेयर करते चलेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं पिछले वाले से और नए वाला आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वेटेज तो सब वही है यार। नीचे चलते हैं हम, सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन, अनसीन पैसेज वाला। इसमें पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज आता था, अर्लियर वाला देख रहे हैं हम,
वेट हाइलाइटर मुझे कर लेने दो, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख रहे हो 300 से 350 वर्ड का एक अनसीन पैसेज आता था और वो था 8 मार्क्स का। तो यहां पर बदलाव इन्होंने ये कर दिया है कि अनसीन पैसेज अब 400 से 450 वर्ड का आएगा और 10 मार्क्स का आएगा। अब इसके साथ एक बेनिफिट ये है कि 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप 12 क्वेश्चन में से केवल 10 क्वेश्चंस को ही करोगे, एक एक मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपका अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होने वाला है, जो पहले 8 मार्क्स का होता था अब वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्वेश्चंस पुराने पेपर पैटर्न में 350 से 400 वर्ड का एक अनसीन पैसेज आता था और ये रहता था 12 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन अब जो नया वाला है इसमें क्या है, 200 से 250 वर्ड का हो गया है अनसीन पैसेज, यहां पर इसने कम कर दिया है, 200 से 250 वर्ड का अनसीन पैसेज है और ये भी 10 नंबर का ही है। ठीक है, अब ये दो जो दूसरा वाला अनसीन पैसेज है नए पैटर्न में, ठीक है, दूसरे वाले अनसीन पैसेज में आपको चार्ट्स दिए रहेंगे, आपको ग्राफ्स दिए रहेंगे और उस ग्राफ्स से क्वेश्चन पूछा रहेगा, जैसे पॉपुलेशन वाला आपको चार्ट दे दिया, पॉपुलेशन वाला ग्राफ दे दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज फीमेल पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज मेल पॉपुलेशन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे लिए चेंज क्या हुआ ये देख लो, पहले क्वेश्चन जो 8 नंबर का आता था वो 10 नंबर का है, जो दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर का आता था वो भी अब 10 नंबर का है, और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ये है कि दोनों में चॉइस है, मतलब दोनों में 12-12 क्वेश्चन होंगे और आपको करना कितना होगा, 10 क्वेश्चन करना होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर पहले जो नया वाला पेपर पैटर्न है, ये जो न्यू वाला है, ठीक है, इसमें एक चीज इसने नया कर दिया है, ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक से इन्होंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। कौन से नए क्वेश्चंस? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आएगा 5 नंबर का। फिर से सुन लो, आपके बिहाइव बुक से या आपके मूवमेंट बुक से, ठीक है, बिहाइव से ही, एक्चुअली बिहाइव एंड मूवमेंट दोनों से मिला करके है, आपसे लगभग लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ दिया रहेगा आपके चैप्टर से और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। ठीक है, तो ये है, और ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा नया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इस साल इन्होंने नया कर दिया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और उससे क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। ठीक है, एंड इन्होंने ग्रामर में क्या कर दिया है, ग्रामर में इन्होंने टेंसेज आया है, मोडल्स आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच दैट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, और डिटरमिनर्स जिसमें ए एंड द सम माय ये वाला है, तो ये पूरा था हमारा ग्रामर पोर्शन। ठीक है, इसमें से इन्होंने डिलीट क्या किया है, मैंने पहले ही बता दिया है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन्होंने डिलीट किया है, क्लॉज डिलीट किया है और प्रेपोजिशंस इन्होंने डिलीट कर दिया है। अब एक चीज और इसमें अच्छी किया है इन्होंने कि टोटल इंटरनल चॉइस कर दिया है, मतलब आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस ही करने होंगे और सब होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब इन टॉपिक से, ये जो टेंसेस मोडल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमिनर्स, ये सब जो टॉपिक्स है ना, इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस होंगे बट मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, जैसे हमारा गैप फिलिंग आता था, जैसे हमारा एरर डिटेक्शन आता था, क्वेश्चंस वैसे ही होंगे, बस 12 में से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये चेंज हो आया है हमारा, क्योंकि पिछले साल ऐसा नहीं था। नाउ इन्होंने पार्ट बी जो है राइटिंग सेक्शन रखा है, राइटिंग सेक्शन इन्होंने पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने 5 मार्क्स का रखा है, मतलब टोटल हमारा राइटिंग सेक्शन हमें मिलने वाला है 10 मार्क्स का। अब क्या क्या आएगा राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ पर्सन और अ डायरी एंट्री, या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा या तो डायरी एंट्री आएगी और 5 नंबर का होगा ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला है हमारी स्टोरी राइटिंग आएगी, ये पिछले साल तक 10 नंबर का आता था, इस साल इसने कम कर इसको क्या कर दिया है, 5 नंबर का कर दिया है। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन से इन्होंने क्या डिलीट किया है, लेटर ऑन सिचुएशन डिलीट कर दिया है,
डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस इवेंट डिलीट कर दिया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप बगल वाला जो अर्लियर क्या था आप अपने आप से देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है क्लास नाइन्थ का, मतलब अब इसमें लिटरेचर पोर्शन हम देखेंगे कि लिटरेचर हमारा 30 मार्क्स का आ रहा है, ये पुराने जैसे ही है, पुराना भी 30 मार्क्स का ही आता था, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न इन्होंने बदल दिए हैं। क्या बदले हैं देखो, इन्होंने 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब पहले 5 क्वेश्चन आते थे, अब इसने क्या कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और कितने वर्ड्स में, 20 से 30 वर्ड में, मतलब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने फिर से वही 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर से 4 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 6, मतलब 6 में से 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 बिहाइव से, 2 मूवमेंट से, लेकिन फर्क ये है कि ये 40 से 50 वर्ड का है, और ऊपर वाला जो है ये 8 मार्क्स का है, और ये है हमारा 12 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इस ऊपर वाले में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। गॉट इट? एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है हमारे 5 and 5 मार्क्स के हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बिहाइव बुक से, पूरे बिहाइव बुक से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और उसमें आपको करना रहेगा केवल 1। गॉट इट? नाउ 6th वाला जो है हमारा, इसमें आपके सप्लीमेंट्री बुक से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, पूरे सप्लीमेंट्री बुक से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और आपको करना रहेगा केवल 1, और इसके मार्क्स होंगे 5। ठीक है, एंड बुक हमारा वही है, बिहाइव मोमेंट्स। तो ये थे हमारे डिलीटेड चैप्टर्स और नया वाला पेपर पैटर्न क्लास 9th के लिए। ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्लास 10th के कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं और क्या पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं। पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट क्लास है यार ये, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर से इन्होंने एज यूजुअल जो क्लास 9th में चेंजेस किए हैं, यूज ऑफ पैसिव वॉइस हटा दिया है, क्लॉजेस, क्लॉजेस में नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ये तीनों हटा दिए हैं इन्होंने। मतलब क्लॉजेस से आप में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, गैप फिलिंग और एडिटिंग में आता था, पैसिव वॉइस टॉपिक से भी गैप फिलिंग और एडिटिंग में आता था, एंड एक टॉपिक इसे जो नहीं हटाना चाहिए था, पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रेपोजिशंस को उन्हें नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेपोजिशंस को भी हटा दिया है। अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो इन, ऑन, एट, अबव, बिलो, ये सब फिलअप करना पड़ता था गैप फिलिंग में, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ग्रामर के, कौन से टॉपिक बचे हैं वो तो हम देखेंगे ही। तो मेनली अगर हम बात करें तो ये 3 टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए हैं, ऊपर के 2 टॉपिक उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन प्रेपोजिशंस को हटाकर काफी हद तक बच्चों के सर से बर्डन हटा दिया है। ठीक है, नाउ लिटरेचर से जो हमारी मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट बुक से इन्होंने ऑलमोस्ट पोएम ही डिलीट कर दिए, जैसे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम है, डिलीट कर दिया इसने, ट्रीज चैप्टर डिलीट कर दिया, फॉग डिलीट कर दिया, ये भी तीनों पोएम है, मिजबिल द ऑटर ये केवल वनली चैप्टर ही स्टोरी है, इस स्टोरी को इन्होंने डिलीट कर दिया, एंड एनी ग्रॉगरी इज ऑल्सो पोएम, और पोएम को भी डिलीट कर दिया। दैट मीन्स 4 पोएम हटाए हैं इन्होंने और 1 चैप्टर हटाया है, तो बहुत ज्यादा आई थिंक फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज अच्छा किया है इन्होंने कि जो बच्चे शुरुआत के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, जैसे हमने अप्रैल, मई एंड जुलाई स्टार्टिंग में 1 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा था ना, तो वो चैप्टर्स इन्होंने डिलीट नहीं किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे शुरुआत से यही पढ़ रहे हैं, और अगर मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा तो उनकी मेहनत चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने डिलीट नहीं किया है। एंड मेजरली इन्होंने 5 चैप्टर डिलीट किए हैं, जिनमें से 4 पोएम है एंड 1 स्टोरी है। नाउ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट ये सप्लीमेंट्री बुक है, एंड सप्लीमेंट्री बुक से इन्होंने 3 चैप्टर डिलीट किए हैं, द मिडनाइट विजिटर एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये लास्ट चैप्टर था आई थिंक, इन 3 चैप्टर को इन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। अब हम देखेंगे कि आपको इस बार बोर्ड्स में कौन सा पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब लेटेस्ट, क्योंकि आपको अगर ये पता रहेगा तो आप प्रिपेयर होके जाओगे एंड अच्छे से करके आओगे। चलो सबसे पहले अनसीन पैसेज वाला सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन, इसमें पहला क्वेश्चन
काफी कुछ बदला है यार, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन 8 नंबर का आता था पुराने पैटर्न से, लेकिन ये कर दिया है इन्होंने 10 नंबर का। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, और ये जो हमारा पैसेज रहेगा अनसीन पैसेज, वो 400 से 500 वर्ड का होने वाला है। पहले ये 350 से 400 वर्ड का था, अब इन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया है इसको 400 से 450 वर्ड का कर दिया है। एक चीज इन्होंने अच्छी की है कि 10 out of 12 questions to be answered आपको choice दे दिया है passage में भी, कि आपको 12 questions दिए रहेंगे एक एक number के, आपको 10 करने हैं और 10 mark आपको allot होगा। अब चलते हैं दूसरा question, unseen passage का ही दूसरा question है, but passage ही हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है, 300 से 350 word का ये passage होने वाला है, और इसमें भी choice ही होगा हमारा 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 10 क्वेश्चन करने होंगे, एंड क्वेश्चंस के नंबर भी हमारे उतने ही हैं, 10 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब लिटरेचर, ये पोर्शन इन्होंने थोड़ा सा नया किया है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, क्योंकि हमारे पेपर पैटर्न के हिसाब से, पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से रीडिंग सेक्शन के बाद हमारा ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन आता था, लेकिन इन्होंने एक चीज यहां पर बढ़ा दिया है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक नाम का एक पोर्शन बढ़ाया है, और इसमें इन्होंने क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट, मतलब आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से या आपकी सप्लीमेंट्री बुक से कोई पैसेज रहेगा स्टोरी से, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5, ठीक है। एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन, ये थोड़ा सा अच्छा किया है कि पूरे बुक से 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, 2 पैसेज रहेंगे द फर्स्ट फ्लाइट बुक से, आपको एक पैसेज अपने अकॉर्डिंग करना है जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो ये तो यहां पर बच्चों के लिए एकदम बल्ले बल्ले कर दिया इन्होंने। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ऊपर जो है जो पैसेज आने वाला था वो स्टोरी से आने वाली थी, लेकिन ये वाला पोयम जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है और जो हमारी मूवमेंट सप्लीमेंट्री बुक है, वहां से हमारे जितने भी पोयम्स हैं, पोयम्स में से किसी 2 पोयम का एक्सट्रैक्ट उठा के दे देगा, आपको कोई एक पोयम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 5 और उनके मार्क्स भी होंगे 5। तो आई थिंक आपको ये जो 20 नंबर वाला था, आपको रीडिंग सेक्शन क्लियर हो गया है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक जो 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ये भी क्लियर हो गया है, तो 30 मार्क्स में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 30 मार्क्स तो भाई मतलब फ्री के हैं, ले जाओ उठा ले जाओ, ठीक है। अब ग्रामर आता है हमारा, अब ग्रामर में इन्होंने मेजर चेंजेस किया है, सोच भी नहीं सकते क्या क्या चेंजेस किया इन्होंने। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, 12 में से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, एंड क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, और जो क्वेश्चंस होंगे वो इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स, टेंसेस, 9th से अगर आप पढ़ के आए हो तो 9th में हमने पढ़ाया है ऑलरेडी, मोडल्स, मोडल्स भी आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है पढ़ चुके हो आप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक ये टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा कमांड लाने की जरूरत है, मतलब कि आपको थोड़ा सा पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा उनका लेवल हाई होता है, लेकिन टेंसेस, मोडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आप कर ले जाओगे, ठीक है। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स भाई बहुत सारे होते हैं और इनके यूजेस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सम का यूजेस, लिटिल का यूजेस, फ्यू का यूजेस, ऑफ यू का यूजेस, तो ग्रामर तो इजी ही है, इजी पीजी सा दे दिया है, बस क्या है आपको 1 से 1.5 महीने लाने पड़ेंगे कि मतलब ग्रामर को डेडिकेटली दो, और ग्रामर पोर्शन हमारा एवर रेडी स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें से इन्होंने डिलीट क्या किया है ग्रामर से, मैंने आपको पहले ही बताया, पैसिव वॉइस डिलीट कर दिया इन्होंने, क्लॉजेस डिलीट कर दिया है भाई, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, तीनों डिलीट कर दिया है, प्रेपोजिशंस डिलीट किया है इन्होंने, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए था लेकिन चलो कर दिया है, बच्चों के लिए काफी अच्छा है, बट याद रहे आपको प्रेपोजिशंस केवल और केवल 10th में नहीं दिए जाएंगे, आने वाले क्लासेस में, क्योंकि आपको पता है कि COVID-19 का इम्पैक्ट केवल इस साल के लिए है, और ये जो सिलेबस चेंज है और ये जो पेपर पैटर्न का चेंज है ये केवल इस साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर से आपको फिर से प्रेपोजिशन, पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, ये सब कुछ पढ़ने होंगे, गॉट इट।
नाउ हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिसमें हमें लिखना होता है, ये सब तो ऊपर मल्टीपल चॉइस थे, हमने देखा सभी मल्टीपल चॉइस थे, ये 30 नंबर ऊपर के और 10 नंबर ग्रामर के, 40 मार्क्स तो मल्टीपल चॉइस है भाई, मल्टीपल चॉइस है मतलब टिक करो, तुक्का मारो, एंड अगर पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा है आपने तो काफी अच्छा है। ओके, सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन मतलब अब ऊपर आपने जितनी भी क्वेश्चंस देखे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, अब आपको लिखने वाला क्वेश्चंस आते हैं। राइटिंग सेक्शन हमारा 10 मार्क्स का है, दैट मींस राइटिंग सेक्शन से दो क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन होगा वो फॉर्मल लेटर होगा, फॉर्मल लेटर मैंने बताया ऑर्डर प्लेस करने का लेटर, कंप्लेन लेटर, इनविटेशन लेटर आ सकता है, लेटर टू एडिटर आ सकता है, ठीक है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना जान के चलो आप कि फॉर्मल लेटर आ रहा है, क्लास 9th से फॉर्मल लेटर उन्होंने टोटली कट कर दिया है, तो ये हमारा फॉर्मल लेटर रहेगा एंड वन आउट ऑफ टू क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, दो लेटर्स रहेंगे, आपको दो लेटर में कोई एक लेटर करना होगा। अब यहां पर एक दिक्कत ये कर दी है भाई कि फॉर्मल लेटर था और पिछले पैटर्न में आर्टिकल राइटिंग का भी एक ऑप्शन हुआ करता था, अब वो नहीं होगा, आपको केवल और केवल लेटर के दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक लेटर करना होगा और 5 मार्क्स का लेटर है, ठीक है ना। दूसरा, राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, भाई बल्ले बल्ले कर दिया यार, स्टोरी हटा दी, स्टोरी राइटिंग इन्होंने हटा दिया है क्लास 9th में, इस साल भी इन्होंने स्टोरी राइटिंग रखा है लेकिन क्लास 10th से स्टोरी राइटिंग हटा दिया है, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब आपको आपको एनालिसिस करना है, आपको देखकर जांचकर ऐसे लिखना है, क्या देखना है आपको, आपको कुछ आउटलाइंस दिए रहेंगे, कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ चार्ट टाइप का या कुछ कुछ ना कुछ क्लू टाइप का दे दिया रहेगा कि आप यहीं से एक ऐसे टाइप का पैराग्राफ लिख डालो, और ये है हमारा 5 मार्क्स का, दो क्वेश्चन आएंगे, आपको करना एक होगा, बहुत इजी पीजी है यार, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लिटरेचर एंड लास्ट पोर्शन फॉर क्लास 10th, थोड़ा सा यहां पर भी चेंजेस किए हैं, पिछले साल तक हमने देखा था कि केवल 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे लिटरेचर में, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता था और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता था। फिर से सुन लो, पिछले साल तक एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता था और 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे। इस बार इन्होंने क्या कर दिया, लिटरेचर 30 मार्क्स का है एज यूजुअल, हमारा पुराना भी 30 मार्क्स का था, लेकिन 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 20 से 30 वर्ड के होंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 आपको करने होंगे और आंसर इनका आपको 20 से 30 वर्ड में करना है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन है टोटल, 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से और 2 क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री बुक से, फुटप्रिंट्स विथआउट फीट वाले बुक से, ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए ये 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आता है वही, 6 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे और ये हमें करना होगा 40 से 50 वर्ड में, मतलब यहां पर हमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे दिया है, 2 दिया है कि नहीं, जो ऊपर वाला है वो हमें 20 से 30 वर्ड में करना है, नीचे वाला 40 से 50 वर्ड में आंसर करना है, इसमें भी 4 क्वेश्चंस होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 4 करने होंगे। हाँ, एक चेंज ये है इसमें कि 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा और 3 × 4 12 मार्क्स, ठीक है। एंड लॉन्ग आंसर की बात जहां पर आती है, तो आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपके 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए होंगे एंड आपको करना होगा केवल एक करना होगा और 5 मार्क्स का होगा ये। पिछले साल तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते थे, 8 नंबर के आते थे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस हमारे बुक का, सॉरी हमारे पेपर पैटर्न का, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया होगा, आपको करना एक होगा, और ये कहां से है, ये है हमारी फुटप्रिंट्स विथआउट फीट, दैट मीन सप्लीमेंट्री जो हमारी बुक है ना, वहां से इन्होंने दिया है, एंड 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा। 5 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, आखिरी वाला क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो भाई, अगर आपने इस पेपर पैटर्न में इंग्लिश में टॉप नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, आज तक का सबसे इजी पेपर
पैटर्न, ठीक है। एंड डिलीटेड चैप्टर्स मैंने आपको बताई दिए हैं, बुक आपका वही चलेगा, फर्स्ट फ्लाइट बुक मेन बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हमारा सप्लीमेंट्री है, एंड ग्रामर आप कोई भी चूज कर सकते हो, ग्रामर के टॉपिक्स आपको पता ही है। तो आई थिंक आपको 10th क्लास का सिलेबस क्लियर हो गया होगा, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क मी। नाउ मूव टू क्लास 11th। ओके, नाउ हम देखेंगे क्लास 11th की, क्लास 11th में कौन से चैप्टर्स डिलीट कर दिया है इन्होंने और क्या पेपर पैटर्न रखा है। मतलब एक लाइन में कहना चाहूंगा यार, तो बस वाह, मतलब वाह सीबीएसई यार, क्या कर दिया तुमने। चलो देखते हैं, बताता हूं मैं इसके की किस लिए मैं ये कह रहा हूं और क्या है, क्या बेनिफिट है आपको। सबसे पहले देखेंगे राइटिंग सेक्शन। हाँ, एक चीज और यार, कि ये इंग्लिश कोर के चैप्टर्स हैं जो डिलीट हुए हैं, ठीक है, इलेक्टिव वालों के लिए नहीं है। मतलब जो मेन बुक हमारे यहां पढ़ाई जाती है इंग्लिश की, उस बुक से है। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश कोर को ही सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन से इन्होंने क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हटा दिया है। एडवर्टीजमेंट आता था पहले, एंड एडवर्टीजमेंट का पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट होता था, बट इसमें नंबर उतने अच्छे नहीं मिलते थे, तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन्होंने हटा दिया, अच्छा ही किया। नाउ लेटर टू एडिटर, ये इजी था, इसको हटा दिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे। अप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ये लेटर आता था हमारा, क्लास 10th में भी मैंने पढ़ाया था आपको, एंड क्लास 11th में आता था जॉब अप्लीकेशन के लिए लेटर, ठीक है, तो इसको हटा दिया। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग हटा दिया है इन्होंने राइटिंग सेक्शन से। नैरेटिव हटा दिया है, नैरेटिव का मतलब कुछ डायलॉग्स दिए रहते थे, या ऐसे कह सकते हो कुछ कन्वर्सेशन दिया रहता था, एंड उन्हें हमें अपने ओन लैंग्वेज में नैरेट करना होता था। तो ये सारे 5 चैप्टर्स हमारे राइटिंग सेक्शन से इन्होंने हटा दिए हैं। नाउ ग्रामर पोर्शन से क्या हटाया है, ग्रामर पोर्शन से मोडल्स हटा दिए हैं। मोडल्स हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो हटा दिया, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे। अगर क्वेश्चंस भी आते हैं 11th में तो आप कर ले जाओगे, बट हटा दिया है, डिलीट कर दिया है चैप्टर, तो नहीं आने वाला, बी फ्री, ठीक है। क्लॉजेज हटा दिया इन्होंने, क्लॉजेज इन्होंने क्लास 9 से भी हटाया, 10 से भी हटाया, 11 से भी हटाया, 12th से भी हटा दिया है, ठीक है। चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हटा दिया है इन्होंने। एरर डिटेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेजेस, ये सारी चीजें इन्होंने हटा दी। केवल रखा क्या है, गैप फिलिंग, केवल गैप फिलिंग अब क्लास 11th के पेपर में आने वाला है आपकी इंग्लिश में, और कुछ भी नहीं आएगा। एरर करेक्शन, एडिटिंग, ये सारी चीजें इन्होंने डिलीट कर दी हैं। लिटरेचर से टोटल 4 चैप्टर डिलीट किया है। हमारी जो मेन बुक है हॉर्नबिल, इससे फादर टू सन डिलीट कर दिया है। द एडवेंचर चैप्टर डिलीट कर दिया है। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड डिलीट किया है। द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, ये है हमारा पोयम, इसको डिलीट कर दिया है। अब जो मेन है, मतलब क्या पेपर पैटर्न हमें देखने को मिलेगा इस एकेडमिक ईयर में, यार पेपर पैटर्न में तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं कि इतने ज्यादा चेंजेस कैसे कर दिए इन्होंने, ठीक है। फिलहाल चलिए बात करते हैं इसको। पूरे पेपर को आपके इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए 40 मार्क्स का एंड पार्ट बी भी 40 मार्क्स का। एक चीज बहुत इजी पीजी कर दी है इन्होंने, क्या इजी किया है कि पार्ट ए पूरा, जितना पार्ट ए है आपका 40 मार्क्स का, सब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एंड पार्ट बी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके जिनके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन आता है, और रीडिंग सेक्शन हमारा 18 मार्क्स का है, मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चलो, तो जो पहला हमारा अनसीन पैसेज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें बहुत अच्छी ये कर दी है इन्होंने कि पहले अनसीन पैसेज में 10 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 11 क्वेश्चंस होंगे, और आपको करने कितने होंगे, केवल 10 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन, और इस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन टोटल, अनसीन पैसेज पहला वाला 10 मार्क्स का, ठीक है। नाउ सेकंड अनसीन पैसेज, हमारे इसमें 8 क्वेश्चन करने होंगे और क्वेश्चंस दिए होंगे हमारे 9, मतलब 8 out of 9 क्वेश्चंस हमें करने होंगे, और टोटल मार्क्स होगा इसका 8 मार्क्स। तो 2 अनसीन पैसेजेस, दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड ऑप्शनल है, मतलब एक में 11 में से 10 करना है, एक में आपको 9 में से 8 करना है, ठीक है। और हाँ, दोनों पैसेजेस को मिलाकर 600 से 750 वर्ड के पैसेजेस होंगे आपके। नाउ ग्रामर पोर्शन आपका 8 मार्क्स का है,
और इस 8 मार्क्स में से एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है, मतलब 8 क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। देख लेते हैं इसमें सबसे पहला तीसरा हमारा गैप फिलिंग आता है, ठीक है। गैप फिलिंग के 4 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और कौन से टॉपिक से गैप फिलिंग पूछा जाएगा, डेटरमाइनस से और टेंसेस से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फिर से वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रीऑर्डरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के भी 4 क्वेश्चंस होंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आप ऐसे कह सकते हो कि आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो ऊपर नीचे करके दिए होंगे, जैसे क्लास 10th में हमने पढ़ा था रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, वैसे ही क्लास 11th में हम पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप जानते हो, वाक्यों को बदलना, एक्टिव टू पैसिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, यही वाला है। और हाँ, दोनों 4 मार्क्स का आपका ये वाला होगा और 4 मार्क्स का आपका ये वाला होगा। लिटरेचर पोर्शन पे आ जाते हैं, लिटरेचर पोर्शन टोटल कैरी करता है हमारा 14 मार्क्स का, और ये थोड़ा सा नया है, ठीक है, ये ऑप्शनल वाला लिटरेचर है, और जो आपको यहां लिटरेचर दिख रहा है ये ऑप्शनल वाला नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 6वां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। फर्क क्या है, जो 5वां वाला क्वेश्चन होगा वो हॉर्नबिल से होगा और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब हॉर्नबिल के पोएट्री से, हॉर्नबिल बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पोएट्री से एक स्टैंजा दिया होगा और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे मल्टीपल चॉइस, वो करना होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज अच्छी ये कर दी है इन्होंने कि 2 स्टैंजा दिया रहेगा, आपको करना केवल 1 होगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6th में 2 प्रोज एंड 2 पोएट्री की स्टैंजाज रहेंगे, मतलब टोटल 6, आप समझ रहे हो कि नहीं, टोटल 3 स्टैंजाज दिए होंगे, आपको केवल 2 स्टैंजाज को अटेम्प्ट करना है और उन 2 स्टैंजाज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 6, और ये आपकी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों से मिलाकर आने वाला है। नाउ 7th हमारा आता है टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये आपका 5 नंबर का है, 5 नंबर का किस लिए है, आपके हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों से मिलाकर पूरी बुक में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे हो सकता है पोएट का नाम पूछ दे, फिगर ऑफ स्पीच पूछ दे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दोनों से मिलाकर 3 क्वेश्चन आपके हॉर्नबिल से, 2 क्वेश्चन आपके स्नैपशॉट से। तो लिटरेचर का 14 मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ आ जाते हैं पार्ट बी, जिसमें हमें लिखना है। अब सबसे पहला पार्ट बी में क्वेश्चन आता है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, ये लास्ट ईयर भी आता है, लास्ट ईयर भी आया था एंड इस ईयर भी आएगा, इसको इन्होंने डिलीट नहीं किया। नोट मेकिंग और समरी के लिए इन्होंने टोटल नंबर दिए हैं कितने, 8 मार्क्स, ठीक है। रीडिंग सेक्शन आप देख रहे हो, टोटल 8 मार्क्स का है। नोट मेकिंग में आपके 5 नंबर मिलेंगे आपको, और उस पर्टिकुलर पैसेज का समरी लिखने के लिए आपको मिलेगा 3 नंबर, मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक आपको लंबा सा अनसीन पैसेज दे दिया होगा, उस पैसेज का आपको नोट्स बनाने होंगे, उस पैसेज का आपको समरी बनानी होगी, और नोट मेकिंग का आपको मिलेगा 5 नंबर, समरी बनाने का मिलेगा आपको 3 नंबर। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, जब हम पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे इसको, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। नाउ राइटिंग सेक्शन इन्होंने कर दिया है टोटल 16 मार्क्स का। टोटल 16 मार्क्स में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट राइटिंग टास्क, मतलब नोटिस है, और नोटिस आपको करना होगा 50 वर्ड में, 1 out of 2, 2 नोटिस के क्वेश्चंस होंगे, आपको करना केवल 1 होगा, और मार्क्स कितने होंगे, 3 नंबर का होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पोस्टर बनाना होगा, 50 वर्ड लिमिट होगी, बहुत छोटा पोस्टर बनाना होगा, और इसमें भी 2 क्वेश्चंस होंगे पोस्टर के, आपको करना केवल 1 होगा, और कितने मार्क्स का होगा, ये हमारा 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा लेटर आएगा,
लेटर आ रहा है, लेटर किस चीज पर लेटर आ रहा है, लेटर हमारा आ रहा है इंक्वायरी, मतलब लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर्स, ये सारे लेटर्स हम क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एंड ये हमारा कैरी करेगा 5 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेटर का क्वेश्चन होगा, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 out of 2 लेटर के क्वेश्चन होंगे, आपको करना केवल एक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा राइटिंग कंपोजिशन, That means या तो स्पीच लिखने के लिए आएगा या आपको डिबेट लिखने के लिए आएगा। 120 से 150 वर्ड आपकी वर्ड लिमिट होगी और मार्क्स कंटेन करेगा हमारा 5 मार्क्स, ठीक है। नाउ लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन वाला जो लिटरेचर है, दैट मीन्स जो पिछला हमने पढ़ा था वो मल्टीपल चॉइस वाला था, अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एक आपका प्रोज से होगा और एक आपकी पोएट्री से होगी। कौन से बुक से, हॉर्नबिल, जो मेन बुक हम पढ़ रहे हैं ना उसमें से। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होंगे, 4 में से आपको अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करना है उसमें से एक क्वेश्चन आपका प्रोज से है और एक क्वेश्चन आपका पोएट्री से है। दोनों क्वेश्चन के मार्क्स 2-2 नंबर के होंगे, इस तरीके से हमारे टोटल 4 नंबर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 1 short answer टाइप क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट का जो स्टोरी वाला पोर्शन है उसमें से आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है और 40-50 वर्ड्स में इसका आंसर आपको करना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 और आपको करना होगा केवल 1, इजी है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हॉर्नबिल बुक से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 स्नैपशॉट से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और मार्क्स कंटेन करता है ये वाला भी 5 का है और ये वाला भी 5 का है। तो अभी आपको पेपर पैटर्न देखकर क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, बट यस एज सून एज पॉसिबल कोई सैंपल पेपर या कोई मॉडल पेपर अगर मैं बनाता हूं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा उसे। तब तक हमारे चैनल के साथ बनी रहिए यार, और पेपर पैटर्न एंड डिलीटेड चैप्टर्स आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।